नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स एम पर। और आज हम लोग फिर से हाजिर हैं काइनेमेटिक्स का पार्ट टू लेकर के। ये थोड़ा फास्ट पेस कोर्स है फॉर JEE मेन 2030 एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। और बस हम जानते हैं कि आप लोग पढ़ चुके हैं, बस हम कुछ चीज़ों को फटाफट फटाफट डील कर लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट वाले वीडियो में किया हुआ था। और कुछ क्वेश्चंस जो हम लेंगे उसका आप देखे होंगे कि उसका एक प्रॉपर क्वेश्चन आ चुका होगा आपके स्क्रीन पर। आप ट्राई कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, वहीं पर पॉज करके बनाने कोशिश कीजिए। आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए कि क्वेश्चन कैसा लगा, नहीं लगा वगैरह वगैरह। आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, हम थोड़े क्वेश्चंस को अलग टाइप के ही ले रहे हैं यहाँ पर। ओके, मिलते हैं, थोड़ा सॉरी मिलते नहीं, बढ़ते हैं आगे, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं कि मोशन किस तरह का होता है, ये मोशन इन टू डायमेंशनल प्लेन पे होता है ना। तो जैसे कि सपोज करते हैं एक बॉडी को हमने ऐसे करके, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। एक बॉडी को हमने किसी यू स्पीड से फेंका, इसका एंगल कुछ थीटा है, तो इसके पास एक हॉरिजॉन्टल स्पीड यू का कॉस थीटा बनेगा, इधर यू साइन थीटा बन जाएगा। और हम जानते हैं किसी भी समय पर इसका स्पीड जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है ये हमारा कांस्टेंट बना होता है। तो हम अगर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाएंगे तो भी ये हमारा यू का कॉस थीटा ही रहेगा, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा ही होगा। किसी भी जगह पर, हम यहाँ पर भी बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या रहेगा, यू कॉस थीटा। यहाँ पर भी इसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या रहेगा, यू कॉस थीटा। मतलब किसी भी जगह, यहाँ पर भी पूछेगा कोई हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है तो यू कॉस थीटा, ये छोटी सी बात हम लोग को पता है। और वर्टिकल मोशन जो है हमारा, वो इनिशियल स्पीड यू है जो कि यू साइन थीटा यहाँ पर दिख रहा है। और ये ग्राउंड में जो है ये रिटार्डेशन, मतलब डाउनवर्ड एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, जिस तरह से ये स्पीड हमारा डिक्रीज करता जाएगा यहाँ तक, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो इसकी अपसाइड की स्पीड होगी वो जीरो हो जाएगी, है ना। तो ये बेसिकली हो जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस, है ना, इधर वाला जो वर्टिकल मोशन हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कांस्टेंट मोशन कंडीशन, है ना। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि इसके पास इसको रेंज कहते हैं, ये वाला जो हमारा हाइट बनता है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, कितना समय लगा होगा। तो अगर हम बात कर सकते हैं वर्टिकल वाले कंडीशन को, तो वर्टिकल कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल स्पीड दिख रहा है यू साइन थीटा। फाइनली अगर हम यहाँ तक पहुँचाने के बारे में बात करते हैं, टी टाइम में ये पहुँच रहा है, तो जीरो स्पीड हुआ इसका टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो जो टाइम, जो भी इक्वल टू यू प्लस में एटी के बारे में बात कर सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में तो जीरो हो गया, इनिशियल स्पीड यू साइन थीटा हो गया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस में जी लिख दिया, स्मॉल टी लिख दिया। तो टी इक्वल टू हो गया बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। और अगर हम टोटल टाइम ऑफ जर्नी के बारे में बात करेंगे तो टू टी हो जाएगा, जितना जाने में समय लगे उतना ही आने में समय लग जाएगा, तो हम डबल कर दिए तो बेसिकली हो जाएगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अगर हम हाइट के बारे में बात करेंगे तो हम लिखेंगे इधर का जो स्पीड है बाई जी, लिखते हैं ना यू स्क्वायर बाय टू जी के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो बी स्क्वायर माइनस बी यू स्क्वायर बाय टू ए एस वाला हमने यूज कर लिया, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें इनिशियल स्पीड तो यही है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। और रेंज के बारे में बात करेंगे, ये रेंज r जो है, स्पीड दिख रहा है, टाइम हमको पता है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो u का cos थीटा इंटू टोटल टाइम पे ऑफ t हो जाएगा। t हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टू यू स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन g, जिसको आप लिख सकते हो u स्क्वायर, और टू साइन थीटा cos थीटा को लिख सकते हैं साइन टू थीटा अपॉन जी, ये हमारा रेंज हो गया। सिंपल है, यहाँ पर बस हम यही कहना चाहते हैं कि मोशन को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है, और एक डायरेक्शन एक्स में, एक डायरेक्शन वाई में। इधर वाला हमने सिर्फ एनालाइज किया, कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन है, इधर की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, इसलिए हमने इधर की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि वो इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला हमने इधर लगा लिया, और इधर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाया, कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड जो हर जगह सेम है, आई सॉरी इंटू टाइम, इज इट ओके। तो हमने यहाँ से रेंज कैलकुलेट कर लिया। अगर हमको इसका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन चाहिए होगा, है ना, तो इक्वेशन ऑफ
ट्रेजेक्ट्री कैसे बनता है। तो हम जानते हैं किसी भी जगह पर हम अगर किसी टी टाइम के बाद ये स्मॉल टी वेव यहाँ से हटा दे रहे हैं तो किसी भी जगह पर इसका पोजिशन है एक्स वाई, है ना, कोऑर्डिनेट है, और किसी टी टाइम पर यहाँ पहुँचा है। तो एक्स वाई अगर ये पहुँचा होगा तो एक्स डिस्टेंस ऐसे ही कवर हुआ होगा, है ना, ये एक्स डिस्टेंस हुआ होगा और ये कोई वाई डिस्टेंस रहा होगा। एक्स तो भाई यू से ही कवर होना है ना, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये यू कॉस थीटा और टाइम टी, और वाई जो हो जाएगा इनिशियल स्पीड यू टी प्लस में आप ही टी स्क्वायर लगा देंगे, है ना, इधर से यहाँ तक पहुँचाइए तो यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, इज इट ओके। और टाइम को अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास एक्स टेन थीटा माइनस में जी एक्स का स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा, और इसी को अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे एक्स टेन थीटा वन माइनस में एक्स बाय आर रिजल्ट आता है। होप करते हैं आप लोग को इतना पता होगा, बस एक बेसिक सा जानकारी दे रहे हैं कि इतना सारा फॉर्मूला आपके पास रहना चाहिए, इज इट ओके। पहले से कॉपी कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, इज इट ओके, मिलते हैं, कॉपी जल्दी से। तो अभी हम लोगों ने देखा सारा फॉर्मूला, अब उसी में हम एक और बात करते हैं। किसी भी समय पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि वी हो गया है, शुरुआत में तो यू पता था हमको, इसके कारण से इधर की स्पीड तो यू का कॉस थीटा ही था। तो यहाँ पर भी अगर मान लेते हैं कि ये शुरुआत का एंगल है थीटा, यहाँ पर रिज्यूम कर लेते हैं अल्फा एंगल है, तो ये स्पीड क्या बन जाएगा, वी का कॉस अल्फा बन जाएगा, और ये हो जाएगा वी साइन अल्फा। सिंपल बात है, कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से सीख सकते हैं। अगर हम बोल लें कि ये टी टाइम के बाद यहाँ पहुँचा है, ठीक है, तो ये तो हमको पता है, हाँ, कि वी का कॉस अल्फा इसी के बराबर होगा, तो ये तो यू का कॉस थीटा ही, तो बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल स्पीड तो सेम रहता है। अब ये जो स्पीड है ये वाला, ये कैसे मिला होगा, इनिशियल स्पीड मेरे को पता है इधर की डायरेक्शन का यू साइन थीटा है। अगर हमको इधर के डायरेक्शन का स्पीड पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड पता है, तो वी इक्वल टू यू प्लस में एटी नहीं लिख सकते, अरे बस हो जाए। तो जो वी साइन थीटा है वो तो बेसिकली यू साइन थीटा माइनस में जी टी है। तो अगर हम वी के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, वी इक्वल टू रूट ओवर यू का कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में यू साइन थीटा माइनस में जी टी का होल स्क्वायर, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर, वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिए। तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आएगा यू स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में टू यू साइन थीटा इंटू जी टी, और साफ दिख रहा होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना, यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो वन आ जाएगा, तो सॉल्व हो गया हमारा, क्या हो गया यू स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में टू यू साइन थीटा इंटू जी टी, दैट्स योर वेलोसिटी वी। और अगर हमको एंगल अल्फा चाहिए होगा, है ना, अल्फा इज गेटिंग एज टैन इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट दिख रहा है हमको वी साइन थीटा, जिसका वैल्यू हम लिख चुके हैं यू साइन थीटा माइनस में जी टी अपॉन यू का कॉस थीटा, सिंपल हो गया। अगर हमको यहीं पर एक पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी पूछ दिया, मोमेंटम पूछ दिया, तो मोमेंटम कैसे लिखेंगे, एम इंटू वी लिख देंगे, है ना, वेलोसिटी आ चुका है, इसका मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ एम बी स्क्वायर कर देंगे, तो हमको इसकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। समझ में आ गया, एकदम सिंपल सिंपल है फॉर्मूले, है ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलो कॉपी कर लो, अब इसके बाद बात करेंगे। अच्छा एक दो चीज़ और हम इसी में बात कर सकते हैं, यहाँ पर ही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में, है ना, तो एक बॉडी को हमने किसी यू स्पीड से फेंका, किसी एच हाइट से, है ना, तो ये बॉडी ऐसे करके यहाँ पहुँच गया, आर रेंज इसने कवर किया, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड तो ये रह गया ना हर समय, ये तो रोक नहीं सकता, है ना। अब वर्टिकल जो है वो हमारा जी के साथ में चल रहा होगा, शुरुआत में तो कोई स्पीड दिए नहीं है, जी के साथ में बढ़ेगा नीचे की तरफ, थोड़ा सा स्पीड इधर की तरफ आ जाएगा, यहाँ और बड़ा स्पीड हो जाएगा, नेट वेलोसिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं इसे रोके। तो अगर हम यहाँ पर बोल दें कि ये हमारा थीटा एंगल है और ये जो स्पीड है कोई टाइम टी लगा होगा इसको आने में, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल टू रेंज कितना होगा, अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम टी, इज इट ओके, नहीं, हॉरिजॉन्टल स्पीड और टोटल टाइम टी लगाए इसको। अगर मेरे को एच हाइट गिवन है,
तो ये टाइम क्या आ जाएगा, ये टाइम कितना आएगा? अरे हमको अगर एच पता है तो इनिशियल स्पीड तो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो, अब प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो हमको यहाँ से टाइम तो आ ही गया, क्या जगह 2h/g का रूट। और अगर हम इसको यहाँ पुट कर लेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा u 2h/g। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। बेसिक आइडिया सिंपल है कि वही हमको दो कंपोनेंट्स में तोड़ सोचना है, हॉरिजॉन्टल क्या कर रहा है, वर्टिकल क्या कर रहा है, दैट्स इट। अब देखते हैं इसके बाद इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, इज इट ओके? थोड़ा कॉपी कर लो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं यहाँ तक सबको आता होगा, थोड़ा कंसंट्रेट होकर के देखना। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, और ज़्यादा थोड़े डेरिवेशन वगैरह आएंगे, कॉपी करो। तो ये हमारा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। इसमें हमने अभी एक बॉडी को अप फेंका है ना इधर की तरफ, और ये इंक्लाइंड पे चल रहा है ना, डाउन टू द इंक्लाइंड के बारे में भी बात करेंगे। अभी अप द इंक्लाइंड मतलब एक बॉडी को हमने इधर से देख लो, ये यू स्पीड से हमने फेंका है इसे, और ये कुछ अल्फा एंगल फेंका है इंक्लाइंड सरफेस से, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, और इंक्लाइंड खुद बीटा एंगल पर है, इज इट ओके? तो अब ये ऐसे जा रहा है, हम इसको कैसे एनालाइज करें? कुछ नहीं करना है, हम इसको सोचते हैं दो सेक्शन में। हम मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस बोल देंगे और इसको हम वाई एक्सिस बोल देंगे, मतलब पूरा का पूरा प्लेन अब मेरा ऐसे। अभी हम लोग ऐसे सीखते थे ना, अब हम ऐसे, अब इसके हिसाब से तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसके हिसाब से क्या बनेगा, ये ऑब्लिक ऐसे गया, ग्राउंड टू ग्राउंड बन जाएगा ये। लेकिन इतना आसान नहीं हो जाएगा कि हम सीधा ऑब्लिक वाला कंडीशन लगा पाएँ, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी मामला फंसेगा यहाँ पर। देखते हैं कैसे फंसेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड जी लग रहा है, सबको पता है। अब अगर हम एक्सिस को ऐसे बदल दिए हैं तो इस जी को भी तो दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, एक अलॉन्ग द इंक्लाइंड और एक उसके परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड, इज दैट ओके? तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा और ऐसे एक्सपेंड कर लें तो ये बीटा हो गया, तो 90, तो ये 90 माइनस में बीटा हो जाएगा ना, तो यानी बेसिकली ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा, तो ये एंगल बीटा बनेगा। आ रही बात समझ में? बीटा कैसे बना दिख गया, तो ये क्या एंगल आ जाएगा, ये क्या वैल्यू आ जाएगा, जी का कॉस बीटा आई हो जाएगा जी साइन बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दो कंपोनेंट आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो समझने का चीज़ ये है कि जो जी कर क्या रहा है, यानी कि ये जो दो कंपोनेंट कर क्या रहा है, एक जो जी साइन बीटा लग रहा है इधर की तरफ, वो इसके इधर का जो स्पीड होगा, देख सकते हो यू है, और ये जो वैल्यू है, देखा ये वैल्यू, ये कितना आ रहा है, यू कॉस अल्फा आ रहा है, और इधर हो रहा है हमारे पास, है ना? हम मान लेते हैं ये अल्फा जो है ये यहाँ से ही है, जमीन से ही है अल्फा, तो यू कॉस अल्फा माइनस है बीटा बोल देते हैं इसको, और इसको ले देते हैं यू साइन अल्फा माइनस है बीटा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से ही यहाँ से इसका एंगल अल्फा है, इंक्लाइंड खुद बीटा से इंक्लिनेशन पर है यहाँ पर। अब देखो ये दिखा कि नहीं दिखा, फिर से देख लेते हैं, यू साइन अल्फा माइनस में बीटा, ठीक है। अब देखो ये स्पीड को ये डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये तो एक्सलेशन है और शुरुआत में हमने ये स्पीड दिया हुआ था, तो ये यहाँ पर जी का कॉस बीटा वाला कंपोनेंट इसको घटा रहा है, और ये यू का कॉस अल्फा माइनस बीटा है इसको ये घटा रहा है, यानी कि इधर वाला जो हॉरिजॉन्टल जिसको हम बोल रहे हैं, बेसिकली हॉरिजॉन्टल नहीं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मोशन, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन मोशन, क्योंकि जी मेरा फिक्स है, बीटा फिक्स है, तो ये पूरा कॉन्स्टेंट हो गया, तो ये एक्सलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, रिटार्डेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। दोनों साइड हमको इक्वेशंस लगाने पड़ेंगे। हम पहले बात करते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस डायरेक्शन में अगर हम इसको बोल दें कि यहाँ से यहाँ तक जाने का समय टी है, तो टोटल टाइम डबल हो जाएगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर इधर से इधर जाते जाते फाइनली रुका, अब तब ना नीचे आया होगा, तो टी पॉइंट पर यहाँ पर स्पीड तो जीरो हो चुका होगा, तो फाइनल स्पीड भी इक्वल टू यू प्लस में टी लगाते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस डायरेक्शन, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गया, शुरुआत में स्पीड दिख रहा है यू साइन अल्फा माइनस में बीटा,
माइनस में जी का कॉस बीटा इंटू टी। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं 2t, है ना, कैपिटल टी इक्वल टू 2 small t इज गेटिंग एज 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो टाइम का ये फॉर्मूला आया, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आया, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। उम्मीद करते हैं आप लोगों से डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछा जाएगा मेन में, या फिर नीट के अगर एग्जाम में आएगा तो भी ये सिंपल फॉर्मूला ही पूछा जाएगा। एडवांस में इसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे जिसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करने वाले भी हैं। टेंशन नहीं लेना है, फॉर्मूले निकालने आ गए, एकदम सिंपली सोचना है। हमने बस अभी जिसको एक्स कह रहे थे वाई कह रहे थे, हमने उसको बदल दिया है। अलॉन्ग द इंक्लाइन हमने एक्स एक्सिस लिया है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई ले लिया है, बस इतना काम करना है। सारी चीज़ों को उधर तोड़ लेना है, हमको अपने आप दिख गया। इज दैट ओके? अब इसके आगे बात करते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। रेंज आर क्या बनेगा, स्पीड मेरे को पता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक कंपोनेंट जो इधर की तरफ आ रहा है वो तो रिटार्ड कर रहा है इसका, टाइम मेरे को पता चल चुका है। तो हम एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ही पूरा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू बेसिकली कर सकते हैं ना, रेंज के लिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो एस क्या हो जाएगा, आर। यू कितना दिख रहा है, यू कितना दिख रहा है, इधर की तरफ का, सिर्फ इधर की तरफ देखना है। यू का कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू टोटल टाइम टी, यहाँ से जाने का समय टी था, है ना, और माइनस लगेगा क्योंकि ये रिटार्ड कर रहा है इसको। तो जी साइन बीटा इंटू, सॉरी हाफ छूट गया, हाफ एटी स्क्वायर, हाफ दिस, इज दैट ओके? तो हम थोड़ा और बेटर तरीके से लिख सकते हैं, यू का कॉस अल्फा माइनस में बीटा, और टाइम टी के जगह पे ये लिख ही सकते हैं, टू यू साइन अल्फा माइनस में बीटा अपॉन जी का कॉस बीटा माइनस हाफ जी साइन बीटा इन टोटल टाइम टी का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 4u² साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस का स्क्वायर बीटा। इज दैट ओके? और हम थोड़ा सा यहाँ से कैंसिल तो कर ही सकते हैं, है ना, कुछ कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कैंसिल क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो 2 से ये ख़त्म हो गया, एक जी से एक जी ख़त्म हो गया, और कुछ नहीं ख़त्म हुआ, बच गया सब, ठीक है। तो चलो देखते हैं, है ना, तो दिख रहा होगा यहाँ पर 2u² दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ भी दिख रहा है 2u², और साइन अल्फा माइनस बीटा यहाँ भी दिख रहा है, सब वो निकालो पकड़ के बाहर। तो 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा बाहर आ चुका है, तो अंदर में क्या बचा, अच्छा नीचे में भी दिख रहा है क्या, एलसीएम में जी का कॉस स्क्वायर बीटा दिख रहा है, तो जी कॉस स्क्वायर बीटा दिख रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर दिख रहा है जी कॉस और बीटा, यानी कि एक कॉस बीटा तो ऊपर जाएगा, और नीचे बच गया यहाँ पर एक कॉस अल्फा माइनस है बीटा, माइनस दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है हमको साइन बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस है बीटा। इज इट ओके? बंद कर दे रहा है। अच्छा ये देखो, तो कुछ फॉर्मूला बना क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना, तो कॉस ए माइनस में बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। तो हमको ऐसे कुछ दिख रहा है, तो हम इसमें ए माइनस बी का फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, है ना। तो क्या बनेगा, 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा इन टू। तो यहाँ से दिख रहा है हमको बीटा, है ना, और अल्फा माइनस बीटा, या तो कॉस अल्फा माइनस में बीटा माइनस में बीटा, ठीक है, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, ये फॉर्मूला प्लस वाले का होता है, क्योंकि अगर माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस बनता है, प्लस रहेगा तो माइनस बनेगा। इज इट ओके? रटा हुआ है मेरा फॉर्मूला, तो यह याद रखना भी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, 2u² कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में बीटा
अपॉन जी का कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज का वैल्यू आ गया। एकदम आसान है, कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा चीज़ों के ऊपर। तो हम थोड़ा सा फॉर्मूला को बस कलेक्ट कर लिए, टाइम पीरियड का पता चल गया है ना, आर का फॉर्मूला पता चल गया, आर मैक्स निकालें। आर मैक्स निकालने के लिए हमको पता भी है, क्योंकि हम जानते हैं इंक्लिनेशन का जो था एंगल है ना, ये बीटा तो मेरा फिक्स है। हम अल्फा के बारे में बात कर सकते हैं, कितना हम अल्फा फेंके कि हमारा रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो अगर हम आर मैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, आर मैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, आवाज़ आ रहा है बाहर से बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आर मैक्स के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि डी आर बाई डी अल्फा जीरो आ जाएगा, है ना। तो फॉर अगर हम बात करें, फॉर आर मैक्सिमम डी आर अपॉन डी अल्फा को पकड़ के जीरो कर दें तो हमको यही रिजल्ट आ जाएगा, यू स्क्वायर बाय जी वन प्लस। ये अपने से कर लेना, क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सॉल्व कर लो अपने आप ये चीज़ आ जाएगा, आर मैक्स का वैल्यू यानी कि अल्फा का कितना वैल्यू पर ये रिजल्ट आ जाएगा, है ना, थोड़ा कर लेना है अपने से। अभी हमको निकालना है यहाँ पर कि कितना एंगल पर ये जा करके आर मैक्सिमम होगा, है ना। तो आर मैक्सिमम कितना एंगल पर होगा, तो आर मैक्सिमम का फॉर्मूला, वैसे आर का फॉर्मूला क्या दिख रहा है, तो 2u² cos अल्फा sin अल्फा माइनस में बीटा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा, ये दिख रहा है हमको r का वैल्यू। थोड़ा हम इसको और बेटर तरीके से लिख सकते हैं, u स्क्वायर 2 का cos अल्फा sin अल्फा माइनस में बीटा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा, ये दिख रहा है हमको। हम ऐसा इसलिए लिखे कि हमको सब फॉर्मूला दिख रहा होगा, टू टिक टिक सी टी, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, तो एक फॉर्मूला होता है टू कॉस सी साइन डी इक्वल टू साइन सी प्लस डी, ठीक है, और माइनस साइन सी प्लस सॉरी सी माइनस डी। आई थिंक हम सही हैं, साइन सी प्लस साइन सॉरी ये प्लस होता है, ठीक है, तो साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस में डी, या सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास रिजल्ट। तो यू स्क्वायर टू समथिंग समथिंग दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं साइन सी प्लस डी यानी अल्फा प्लस अल्फा माइनस में बीटा प्लस साइन सी माइनस में डी, सी माइनस में डी, अल्फा माइनस में अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है यू स्क्वायर दिख रहा है साइन टू अल्फा माइनस बीटा और प्लस में साइन बीटा, कमाल हो गया, और अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। इवन अगर हमको आर के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, तो हम आर मैक्सिमम के बारे में भी बात कर रहे हैं, और आर मैक्सिमम किस एंगल पर होगा इसके बारे में बात करना है। इवन ये सारा चीज़ कॉन्स्टेंट्स है तो हम इसे बात नहीं कर सकते, तो हम ये देख सकते हैं कि इस चीज़ का जो वैल्यू होगा ये मेरा खूब ज़्यादा हो तभी हम मैक्सिमम के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मेरा फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, हम स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे, बीटा नहीं बढ़ा रहे, मतलब गिवन स्पीड पर हम जानना चाहते हैं किस एंगल पर फेंकें कि ये बॉडी हमारा सबसे ज़्यादा दूरी कवर करे। ओके तो इस चीज को ये दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये सेक्शन जो दिख रहा है, तो हम ये लिखेंगे कि फॉर आर मैक्सिमम साइन टू अल्फा माइनस बीटा गोइंग टू मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कब होगा, जबकि टू अल्फा माइनस बीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए तभी साइन, इसका अधिक से अधिक वैल्यू 1 होता है ना, तो ये 1 कब होता है, 90 डिग्री पर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा इक्वल टू 90 प्लस बीटा, अल्फा इज गेटिंग एज 90 प्लस बीटा बाय 2, इज दैट ओके, कितना आसान है ना। तो अगर हम इस अल्फा को पुट कर लेंगे तो भी आर मैक्स आ जाएगा, समझ में आया, कितना मजेदार था, ठीक है।
कॉपी करो, बात करेंगे डाउन द इंक्लाइन वाले का पूरे अच्छे से। समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेना है डाउन द इंक्लाइन वाले में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारा डेरिवेशन लोग फिर से करते हैं। तो डाउन टू द इंक्लाइन वाले के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एक बॉडी को हमने किसी यू स्पीड से फेंका, मतलब देखो एक बॉडी को हम ऐसे ही फेंक सकते थे, ऐसे भी फेंक सकते थे, हम किसी अल्फा पे फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से अल्फा एंगल पे फेंक रहे हैं, है ना। और अगर हम ऐसे फेंकेंगे तो वो समझ लेना है कि अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, है ना। तो एंगल बस अल्फा निगेटिव में आ जाएगा, ऊपर है तो पॉजिटिव में रहेगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं लेना है, उतना तो हम लोग समझते ही हैं ना। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, तो हम तो सीखे इंक्लाइन की तरफ, हम लोग एक एक्सिस बना लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम वाई एक्सिस बना दे रहे हैं। तो इधर की तरफ का हमको स्पीड चाहिए होगा, है ना, दोनों डायरेक्शन में। तो ये स्पीड क्या बनेगा, तो यू का कॉस अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, है ना, यू कॉस अल्फा प्लस बीटा। नहीं दिख रहा, फिर से देखते हैं, यू का कॉस अल्फा प्लस बीटा, इधर का स्पीड इधर हो गया यू साइन अल्फा प्लस बीटा। अगेन जी को भी हम लोग ब्रेक करेंगे, जी के भी दो कंपोनेंट लेंगे, एक ऐसे, एक अलोंग द पैरेलल परपेंडिकुलर द पैरेलल। अब अगर ये बीटा है, ये बीटा है, देखा ऐसे हम लाइन खींच लिया, इज इट ओके। तो ये परपेंडिकुलर ही तो बन रहा है ना यहाँ पर, तो ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा, 90 माइनस बीटा, तो ये बीटा बनेगा। बैठ गया दिमाग में, बस छोटा सा काम करना था हमको, तो समझ में आता भी है। खैर इधर क्या हो जाएगा, ये तो जी था, तो जी का कॉस बीटा इधर बना, इधर हो गया जी साइन बीटा। हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमको मोशन लिखना आसान पड़ेगा जब हम दो डायरेक्शन में स्प्लिट कर दें, और क्या, जी को भी हमने दो डायरेक्शन तोड़ लिया, अलोंग द इंक्लाइन हमने एक्स एक्सिस लिया, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हमने वाई एक्सिस लिया है, अलोंग द इंक्लाइन हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने ऑब्जर्व किया, जी साइन बीटा है जो एक्सेलरेशन है, नॉट रिटार्डेशन है यहाँ पर, एक्सेलरेशन है जो कि सपोर्ट करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, और वर्टिकल में तो ऑब्वियसली घटा ही रहा है, इज इट ओके। यानी कि यहाँ पर ये सपोर्ट करेगा, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अलॉन्ग द डायरेक्शन लिखेंगे, इंक्लाइन लिखेंगे, अब वर्टिकल में तो माइनस लिखाएगा ही, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाले कंडीशन में बहुत तेजी से बोल रहे हैं। ओके, अलॉन्ग वाई एक्सिस डायरेक्शन, तो वही टी का पूरा कचड़ा यहाँ तक पहुँचने में, है ना, मैक्सिमम इस जगह पहुँचने में टी, यहाँ पर टू टी लगेगा, है ना, तो टी 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 टी, है ना, तो जो भी है फाइनल स्पीड जीरो, और एस इक्वल टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ तो चलो ठीक है, बात करते हैं टी के बारे में। तो फाइनल स्पीड जीरो, स्पीड शुरुआत में यू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी, तो टाइम पीरियड सीधा लिख सकते हैं टू टी इक्वल टू टू यू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। कितना साल है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, सेम रिजल्ट, ऐसे ही कुछ आया था ना, माइनस था ना, था ना, चलो बस। उसके आगे रेंज के बारे में बात करेंगे, रेंज के बारे में बात करेंगे, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बारे में बात कर सकते हैं। एस क्या है हमारे पास, है ना, यही ना रेंज है, ये हमारा रेंज है। आर, तो आर इक्वल टू यू तो दिख रहा है इधर की तरफ का स्पीड, तो यू कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू टोटल टाइम टी, तो दिख रहा है यहाँ से टू यू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन सेम जी कॉस बीटा। माइनस नहीं होगा यहाँ, प्लस हो जाएगा क्योंकि सपोर्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, तो जी दिख रहा है यहाँ से जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, यानी कि फोर यू स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा हम इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है, तो टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस का स्क्वायर बीटा। अगेन ये कट जाएगा,
तो टू से कैंसिल आउट हो गया, ये से ये ख़त्म हो गया, सॉरी 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 सॉरी, क्या करते हो, जी से जी कट गया, ठीक है, ओके। तो टू यू स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा बाहर आ गया, बाय नीचे में दिख रहा है, एलसीएम में क्या क्या आ जाएगा, जी कॉस स्क्वायर बीटा भी आ जाएगा और अंदर में बचेगा, यहाँ कॉस का स्क्वायर बीटा आ गया है तो कॉस बीटा एक ऊपर जाएगा और यहाँ बच गया साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू साइन कैसे बच गया, कॉस बच गया ना, क्या क्या लिख रहे हो, कैसे चलेगा काम, अल्फा प्लस बीटा दैट्स इट, है ना। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं सेम फॉर्मूला आ गया क्या, कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला दिख रहा हूँ, ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, वहाँ पर माइनस था तो प्लस लिखे थे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, टू यू स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा। प्रोसेस देखो, याद करने कुछ भी ज़रूरत नहीं है, एक बार घर पे रिपीट लिखना है, हम तो दो बार लिख दिए भी सेम चीज़, ठीक है। तो कॉस बीटा माइनस में अल्फा और माइनस में बीटा, यही हो जाएगा, बीटा से बीटा ख़त्म, कॉस माइनस में अल्फा, अल्फा ही होता है, कॉस अल्फा ही होता है, तो यहाँ से आ जाएगा टू यू स्क्वायर कोरोना, नहीं इतना बड़ा कोरोना थोड़ा ना होगा, साइन अल्फा प्लस में बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, दैट्स योर रेंज, ओके। और कॉपी करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, और ही और है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, दो बार डेरिवेटिव कर चुके हैं सेम ही फॉर्मूला को, बस एक अप था एक डाउन था, और हमको इसके फिर आर मैक्सिमम के बारे में बात करना है, तो आर मैक्सिमम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डी आर बाय डी अल्फा को जीरो कर लेंगे तो आर मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर बाय जी वन माइनस में साइन बीटा, इज इट ओके, तो ये आ जाएगा। अगर हमको इस आर मैक्सिमम के लिए अल्फा का वैल्यू चाहिए तो क्या कर सकते हैं, फिर से वही कर सकते हैं जो पीछे किए थे, करने के बाद अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 90 माइनस बीटा बाई टू, वहाँ पर जो आया था रिजल्ट उससे थोड़ा अलग है ये। उम्मीद करते हैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ गया होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दो मिनट और हम समझा दे रहे हैं। एक बॉडी को हमने ऐसे फेंका, ये ऐसे आया, ऐसे फेंका, ये ऐसे आया, दिख रहा है, ऐसे पैराबोला बनता है ना, ऐसे तरह के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। वर्टिकल का अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला काम होगा, हॉरिजॉन्टल का अलग अगर ऑब्लिक है तो, यानी कि ग्राउंड टू ग्राउंड है तो इधर की तरफ का स्पीड कांस्टेंट रहता है, वो हमने देखा था। बट इंक्लाइन वाले में हमने क्योंकि एक्सिस ही बदल लिया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एक कंपोनेंट इधर लगेंगे, एक कंपोनेंट इधर लगेंगे, बस इतना ही हमने किया है, दो डायरेक्शन मोशन को तोड़ा है, टू डायमेंशनल मोशन को हम लोग ऐसे ही एनालाइज करते हैं, दोनों डायरेक्शन को स्प्लिट करेंगे, देखेंगे। अब इसके बाद कुछ अच्छे सवाल स्क्रीन पर अभी आ जाएगा क्वेश्चन, ये एससीओ का पहला क्वेश्चन है जो स्टेयर्स पर, बोले कितना नंबर ऑफ स्टेयर पर जाएगा बॉल लग जाएगा, बस यही सवाल है और उसके बाद एक और सवाल है, ठीक है, बने रहना है, कॉपी करो यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली एक सवाल है कि एक बेंच है लगा हुआ किसी, हम लोग देखे होंगे आईपीएल वगैरह के, जो कि अब तो कैंसिल ही हो गया है, कि होगा कि नहीं होगा पता नहीं, मज़े आएंगे कि नहीं आएंगे, खैर लगे होते हैं ना इस तरह के स्टेयर्स, ठीक है। और तभी एक बैट्समैन एक बॉल को, धोनी वाला सिक्सर है ना, वो हेलीकॉप्टर गया है ना, तो एक हेलीकॉप्टर शॉट लगा है 35 मीटर पर सेकेंड पर 53 डिग्री के एंगल पर, और ये कहता है कि जो पहला जो स्टेयर केस है वो हमारा 110 मीटर के दूरी पर है, तो एक जाकर के हिट करता है, अब ये कहाँ किस नंबर पे जाके गिरेगा ये पूछ रहा है, किस नंबर पर अब स्टेयर केस पे जाके गिर जाएगा ये बॉल, हमको बस एक काउंट करना है। काउंट करने का सवाल अगर आसान होता, अगर हम ये पता कर पाते
कि ये कोऑर्डिनेट पता कर ले मेरा काम बन जाता है, बट ये कोऑर्डिनेट इतना आसानी से पता नहीं चलेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा समझने के लिए हमने कुछ दिमाग लगाया, कुछ कंडीशंस भी दिया हुआ है कि जो पर्सन है यानी कि जो धोनी है वो पहले स्टेयर केस से 110 मीटर की दूरी पर है और हर एक स्टेयर केस 1 मीटर अप एंड 1 मीटर इधर है, इक्वल है। इसका मतलब यही है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इधर से, इस लाइन के बारे में बात करते हैं, और हम अगर इसको एक्स एक्सिस का दें और ये अगर हमारा कोई वाई एक्सिस है यहाँ से दिया हुआ है ना, और हमने ये स्टेयर केस यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट किया, ये ज़मीन है, ये धोनी यहाँ दिख रहा होगा है ना, बॉल पड़ाक लगा, ठीक है, ये ग्राउंड यहाँ से दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं, क्या इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या? एक्स एक्स तो दिख रहा है 110, वाई तो है नहीं यहाँ पर है ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 45 डिग्री के एंगल पर जा रहा है, तो क्या हम इसका इक्वेशन के बारे में बात कर सकते हैं क्या? इसका इक्वेशन लिखने के लिए कोई रैंडम सा पॉइंट लिखेंगे पी एक्स वाई, और इसका स्लोप तो 48 डिग्री पर बन हो जाता है तो है ना, तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो क्या होता है वाई माइनस में इसका स्लोप है ना 0 बाय एक्स माइनस में 110 इक्वल टू स्लोप है ना, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस में 110। ये हम इसलिए लिखे क्योंकि हमको एक रैंडम आइडिया मिल जाए कि बॉल जो है इस स्ट्रेट लाइन को कहाँ पर कट कर रहा है, ताकि हम ये पता कर पाएँ कि कम से कम ये तो एक रफ आइडिया आ जाएगा कि किस जगह पे जाकर के हिट कर रहा है। हमको ये इससे ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर हिट कर रहा है, पहले तो हमको यही पता चलेगा किस कोऑर्डिनेट पे जाकर हिट कर रहा है, क्योंकि हमको इसका इक्वेशन तो पता है क्योंकि ट्रेजेक्ट्री है और ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हमको पता होता है ना, नहीं पता हो? ओके, नहीं पता होता है, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सीख लेंगे, सीख लेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे, अभी तो सिखाएं। एक्स टेन थीटा माइनस में जी एक्स का स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा, ये ना सीखे थे, अभी तो पीछे देख लो। तो थोड़ा अगर हम इसके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात करेंगे तो x लिख देते हैं और tan थीटा कितना है 53 डिग्री, क्योंकि हमको x कोऑर्डिनेट भी नहीं पता ना इसका कहाँ है, ये अगर पता चल जाता मेरा आंसर ही आ जाता, हम नहीं पता। माइनस में g के जगह पर 10 लिख सकते हैं, x का स्क्वायर भी हमको पता है ही नहीं, 2u स्क्वायर 35 का स्क्वायर और cos थीटा मतलब 53 डिग्री, ठीक है, का होल स्क्वायर जाएगा, तो x tan 53 डिग्री के बारे में बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 37 डिग्री और ये 53 डिग्री बन जाता है। तो अगर हम tan 53 डिग्री के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 4/3 बन जाएगा ये, तो ये 4/3 आ गया। माइनस में 10x का स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ 35 का स्क्वायर 1225 इंटू कॉस 53 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, तो देखो तो क्या क्या आ रहा है, 2 5 जा 10, तो अगर हम यहाँ से लिखें तो ये तो दिख रहा है 1.33x, हाँ थोड़ा अजीब सा डेरिवेशन है तो मतलब रैंडम ही आएगा, कुछ मतलब है नहीं। y के जगह पे हम लिख देते हैं x माइनस में 110, क्योंकि इस जगह को अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों y एक्सिस को, इज दैट ओके? और ये हो गया हमारा 1.33x माइनस में 25 से कटेगा तो यानी 49 आ जाएगा यहाँ पर, तो 5x का स्क्वायर बाय 9 टाइम्स ऑफ 49, मतलब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, रुको करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है ये तो है ही माइनस में 0.01133 एक्स का स्क्वायर है ना, अजीब सा नंबर है, क्या कर सकते हैं, जिंदगी यही है, ये आ जाएगा क्या 0.01133 एक्स का स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा तो माइनस में 0.33 एक्स
माइनस में 110 बराबर 0, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और अगर हम इससे x का वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगा माइनस में बी प्लस माइनस में रूट अंडर डी बाई टू ए, यानी कि प्लस में 0.33 प्लस माइनस में रूट ओवर बी स्क्वायर, यानी कि 0.33 का होल स्क्वायर प्लस में 4.011133 और सी की जगह पे 110 है ना बाय 2a। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से x का वैल्यू जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 115.62। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, उम्मीद करते इतना तो कर ही सकते हो, रैंडम कुछ कुछ आ जाएगा ऐसा ही वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू इतना, यानी x का वैल्यू ये आ गया, क्या ये लेंथ हमारा x आ चुका है। ऑलरेडी हमको पता है 110 इधर है, इसका मतलब ये हो गया कि 5.62 इधर देखा है ना, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये लेंथ कितना हो गया 5.62 इधर हो गया, इसका मतलब ये भी हुआ कि 5.62 इधर भी हो गया, 5.62 इधर भी हो गया, इसका मतलब ये हुआ। अब देखना है पूरा कहानी क्या क्या है। तो अगर हम 5.62 के बारे में बात करें, चलो यहाँ से स्टेयर केस स्टार्ट करते हैं। फाइव पॉइंट सिक्स टू का मतलब क्या हुआ, तो जो पहला ये बना, फिर ये दूसरा बना 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर और ये 5 से ऊपर, ठीक है, ये छठवा, ठीक है, इसको जाकर के हीट कर रहा था, किसको हीट किया, इसको ना 5.6 यानी कि सिक्स वाले इसको जाकर के हीट किया इसने, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सिक्स स्टेयर केस हो जाएगा। कोई दिक्कत है, 5.5 वाले पर नहीं गिर रहा है, 5 से ऊपर यानी कि सिक्स वाले को इसने जाकर हीट किया है, तो पूछ रहा है किसको जाकर के हीट करेगा, तो सिक्स वाले स्टेयर केस को हीट करेगा। अलग सवाल है, एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सा सवाल नहीं था ये, यहाँ पर कुछ दिमाग लगाना पड़ा, एक स्ट्रेट लाइन को हमको ड्रॉ करना पड़ा। जब भी इस तरह का सवाल आए, नंबर ऑफ स्टेयर केस वाले बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से डील करेंगे, बोले कितना नंबर पर जा करके हिट करेगा, तो एक स्टेंट ड्रॉ करो, सेटिस्फाई करवाओ, सॉल्व करो। इस सवाल में लिटरली थोड़े अजीब अजीब नंबर आए हैं, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें नंबर आसान होते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, मेरे पास नहीं था वैसा क्वेश्चन, इसलिए हमको यही एस सी वर्मा का क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। इसे रोक के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी अभी स्क्रीन पर आ रहा है, अगर बने तो पॉज करके बना लेना है, तब आगे देखना है। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सवाल को पढ़ लिया होगा, ठीक है, और है ना, नहीं पढ़े हो तो फिर से पॉज करो पिक्चर को, क्वेश्चन को थोड़ा देख लो, पीछे से पढ़ो क्वेश्चन को, समझाते हैं अब क्या है क्वेश्चन को, है ना, पढ़ लिए, ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने ऐसे करके थ्रो किया, ठीक है, तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसका स्पीड दिया हुआ है यू, किसी भी जगह पर हॉरिजॉन्टल जगह पर, किसी भी जगह पर मेरा एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया ऐसे, और एक टेंजेंट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, कह रहा दोनों ही टेंजेंट के बीच में एंगल अल्फा है, दोनों ही टेंजेंट के बीच में एंगल अल्फा है, यहाँ पर स्पीड जो है इस एक्सट्रीमिटीज़ पर स्पीड इसका भी है, इस एक्सट्रीमिटीज़ पर इसका स्पीड भी डैश है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है, इस जगह पर भी है, यहाँ पर भी डैश है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसका स्पीड भी यू दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ये जो आर्क बना है, इस आर्क को कवर करने में कितना समय लगा है वो निकाल के दिखाओ। तो कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है, ये अल्फा दिया हुआ है, मान लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस में थीटा माइनस में अल्फा, तो ये एंगल भी हो जाएगा पाई माइनस में थीटा माइनस में अल्फा। अब दो कंपोनेंट हम तोड़ ही सकते हैं, एक इधर की तरफ का और एक इधर की तरफ का, इसमें भी एक इधर और एक इधर, इधर हो जाएगा भी का कॉस थीटा, इधर हो जाएगा भी साइन थीटा, इधर भी बन जाएगा
भी डैश का सॉरी 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 साइन पाई माइनस में थीटा माइनस में अल्फा, यहाँ हो जाएगा भी डैश का कॉस पाई माइनस में थीटा माइनस में अल्फा, इज इट ओके। इतना सारा चीज़ आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं इस पूरे कहानी में कि इसका जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो तो फिक्स रहेगा, यानी कि यू जो है वो भी का कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, जो कि भी डैश कॉस पाई माइनस में थीटा माइनस में अल्फा बराबर है। तो जिसको हम लिख सकते हैं माइनस में भी डैश कॉस अल्फा प्लस में थीटा, जो कि आ रहा है यू का वैल्यू भी कॉस थीटा के बराबर। इज दैट ओके? एकदम सिंपल रिजल्ट है। हमको पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, ये फाइनल स्पीड हो गया क्या? इनिशियल स्पीड ये दिख रहा है क्या इधर की तरफ का? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दिख रहा है क्या डाउनवर्ड? तो भी इक्वल टू यू प्लस में ए टी लिख सकते हैं ना, खत्म सवाल, इससे अधिक कुछ नहीं है, यही है, ठीक है। तो फ्रॉम भी इक्वल टू यू प्लस में ए टी, फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड है, इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस भी डैश साइन पाई माइनस में थीटा माइनस में अल्फा इक्वल टू यू दिख रहा है ना, भी इक्वल टू यू यू साइन यानी भी साइन थीटा माइनस जी टी, जी टी इधर आ गया, इक्वल टू जाएगा भी साइन थीटा प्लस भी डैश साइन 180 माइनस में थीटा, तो 180 में साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा प्लस में अल्फा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये थीटा प्लस में अल्फा बन जाएगा। तो ये जी टी दिख रहा है, हमको चाहिए था टाइम में, नीचे में यू दिख नहीं रहा, यू यू लाओ जबरदस्ती, कैसे लाएंगे यू, यहाँ पर थीटा, यहाँ थीटा नहीं दिख रहा, यहाँ थीटा प्लस अल्फा नहीं दिख रहा, तो एक काम करते हैं, काम करते हैं, देखो ध्यान से कैसे करते हैं, यही चीज़ है करना, सीखना यही चीज़ है इस सब में। साइन अल्फा प्लस में थीटा मल्टीप्लाइड बाय वन किए हैं हमने, जबरदस्ती यू लाया है यहाँ पर, क्योंकि हमको थीटा को एलिमिनेट भी करना है, ठीक है। खैर तो ये देखो वन कैसे, वन कैसे ला सकते हैं हम, एक काम करते हैं दिस अपॉन यू कर लेंगे तो भी वन आएगा, नहीं आएगा, यहाँ से लिख सकते हैं भी साइन थीटा इंटू माइनस में भी डैश कॉस अल्फा प्लस में थीटा अपॉन यू, ठीक है, दिख रहा होगा। अब नहीं समझ में आया फिर से देखो, ये और ये तो बराबर ही है ना, दोनों कट करके वन ही तो आएगा, इससे हमको क्या मिला, यहाँ पर से हमको अल्फा प्लस थीटा और थीटा के बीच में कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पर भी बनेगा उसी तरह से, भी डैश साइन अल्फा प्लस में थीटा इंटू, हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं भी कॉस थीटा अपॉन यू, इवन ये और दोनों बराबर है, तो इस दोनों दिस बाय दिस क्या हो जाएगा, वन ही आ जाएगा, इज इट ओके। तो ये पूरा रिजल्ट आ चुका है हमारे पास, और भी डैश बाय यू तो आ गया हमारे पास कॉमन, यहाँ से हो गया जी टी। तो क्या क्या बचा हमारे पास, पूरा रिजल्ट साइन थीटा प्लस में अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में अल्फा, ठीक है। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला दिख रहा है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी दिख रहा होगा यहाँ पर, तो जी टी इक्वल टू भी भी डैश बाई यू साइन दिस माइनस दिस, यानी कि अल्फा थीटा प्लस में अल्फा माइनस में थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास टी का वैल्यू दिख रहा होगा भी डैश बाय जी यू साइन अल्फा, दिस इज योर डिजायर्ड रिजल्ट। एकदम सिंपल था सवाल में, कुछ दम नहीं था, थंबनेल का भी यही पिक्चर था हमारा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, हम लोग यहाँ तक पहुँचे, हम बस कुछ चीज़ों को कंप्लीट किए हैं, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन के पूरे डेरिवेशन को डील किए हैं। आप लोग का काम यही है उसको फिर से लिखना है, इन सारे सवालों को बनाओ, ताकि कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखने के लिए मिलेंगे। एस सी वनों के हर क्वेश्चन को लगा जाओ, मिनिमम काम तो इतना करना ही है, एडवांस में क्वालिफाई करना है तो कुछ कुछ क्वेश्चन सेलेक्टिव यूरोप के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है।
नहीं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो लगाओ ही लगाओ, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे उतना दिमाग खुलेगा कि हम इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं कि क्वेश्चन आएगा, बस इससे ये सीखने के लिए मिलता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें हम क्या नया, हम बस कुछ चीज़ों को जो हमको कमाल लगा कि सवाल में हम ये काम कुछ अलग दिखा, जिससे हमको कुछ सीखने के लिए मिलता है, हम इसलिए ऐसे सारे क्वेश्चन को ला रहे हैं अभी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बचना है बाबा, कोरोना वोरोना भी आजकल आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब, वो क्या बोलते हैं, घंटी उंटी जो भी मिलता है लगा दबा दो, पूरा चाप चाप करके। अगला वीडियो फ्रिक्शन पर आने वाला है, ठीक है, कुछ जो क्वेश्चन हो लगे कि वो शामिल करना चाहिए कमेंट बॉक्स में डालो, कल शाम तक में वो नया वीडियो भी आ ही जाएगा फ्रिक्शन पे, वो भी दो पार्ट में आएगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।